हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस एसे के पैराग्राफ फर्स्ट को रीड किया था। आज हम पैराग्राफ सेकंड को रीड करते हैं। देयर आर वेरियस साइंस टू प्रूव दैट वी आर सुपरस्टिशियस इवन इन दिस एज। ऐसे बहुत सारे साइन हैं जो ये आज भी दिखाते हैं कि हम आज भी सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी हैं। जैसे ये एग्जांपल देता है कि लंदन में बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे दुनिया के हर बड़े शहर में होती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड स्ट्रीट नंबर 13 और सी बेड नंबर 13। ये दो बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं, आप इन्हें एग्जामिनेशन पेपर में लिख सकती हैं। नंबर एक कि लंदन में बहुत सारी सड़कें हैं पर वापस 13 नंबर सड़क आज भी नहीं मिलती है। लंदन के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हर हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड हैं, पर कभी भी आपको बेड नंबर 13 नहीं मिलेगा। वो कहता है कि आज आज जो हमारी एज है वो मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज मतलब आज हम मॉडर्न एज में रहते हैं, लेकिन आज जो सुपरस्टिशन है वो आउटडेटेड है। आज कोई भी बंदा सुपरस्टिशंस की बात नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम किसी भी नए मकान को लेने जाते हैं और हमें पता चलता है कि उस नए मकान का नंबर कितना है, 13 है, तो हम उस नए मकान को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी सोच हमेशा यही होती है कि 13 नंबर मकान नहीं लेना है। और वो कहता है कि इसी तरह से जब मान लो एक बात बताइए, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, उस इलाज का बेड नंबर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब भी हमारे पास 13 नंबर बेड आता है तब हम सोचते हैं कि हाँ हमारा इलाज होना ठीक नहीं है। और वो कहता है कि देखिए कि हाँ फिर भी यहाँ ऑथर एक बात कहता है, ऑथर कहता है कि आप एक बात मान लीजिए कि 13 नंबर जो बेड है उसकी तो बात चलो समझ में भी आती, क्योंकि ये बात हमारी लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। फिजिकल रिकवरी जो होता है वो मेंटल स्टेट का काम होता है, मतलब बंदा पहले दिमाग में ठीक होता है फिर वो शारीरिक रूप से ठीक होता है, उसकी फिटनेस आती है। यहाँ वो एग्जांपल देता है फ्लोरेंस नाइटेंगल का। फ्लोरेंस नाइटेंगल को लेडी विद द लैंप कहा जाता था। तो फ्लोरेंस नाइटेंगल ये कहती थी कि बीमार आदमी के कमरे में आपको ना सुंदर सुंदर फूल रख देने चाहिए, क्योंकि इन फूलों से पॉजिटिविटी बढ़ती है और इंसान जल्दी ठीक होता है। फिर ये एक ऑथर थे जिनका नाम था मिस्टर एम ड्यूमेल, ये फ्रेंच ऑथर थे, वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में डॉक्टर थे। तो उन्होंने बताया था, एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता है ये, कि एक आदमी था जिसे कि युद्ध के मैदान में बहुत ज़्यादा चोट लगी, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए आया तो उसके बहुत सारे घाव थे, लेकिन वो सारे घाव उसके ठीक हो गए, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, उसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई कि उसकी नाक पर एक छोटा सा पिंपल उग गया था, इस पिंपल के उगने के बाद उसकी सोच बन गई और उसकी डेथ हो गई। वो डेथ क्यों हुई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि जिस बेड पर उसको सुलाया गया ना उस बेड का नंबर है 13, जिससे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और जो विल पावर थी वो होगी ख़त्म। यानी कि वो बंदा ना तो युद्ध के मैदान से मरा, ना पिंपल से मरा, वो किससे मरा, वो सुपरस्टिशन से मरा। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें अंधविश्वास नहीं रखने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ है, इसमें गार्डिनर ये कहता है कि हाँ मैं ये नहीं कहता कि मैं सुपरस्टिशन से बिल्कुल आज़ाद हूँ, नहीं, मैं सुपरस्टिशन से बिल्कुल आज़ाद नहीं हूँ। कोई भी पर्सन नहीं होता, क्योंकि हम बचपन से सुपरस्टिशन सुनते आ रहे हैं, हमारे माइंड में वो सुपरस्टिशन होते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ सुपरस्टिशंस के साथ में ना एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि वो कहता है कि मैं हमेशा लंदन बस नंबर 13 से जाता हूँ। अब जैसे आपको मैंने बताया कि लंदन में 13 नंबर के साथ एक अपशगुन माना जाता है, तो ये 13 नंबर बस से जाता है। और वो कहता है कि एक और अंधविश्वास इनके यहाँ पर है, जैसे मान लो ये एक दीवार है, ठीक है बच्चों, इस दीवार के साथ मान लो ये एक सीढ़ी खड़ी है, लैडर, तो इनके एक अंधविश्वास है कि इस लैडर के नीचे से नहीं जाना चाहिए, इनका ये अंधविश्वास है। तो ये कहता है कि वो कहता है कि हमें इसके नीचे से नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें इसके पास से गुजरना चाहिए, मतलब इसके अंडर से नहीं जाना है। वो कहता है क्योंकि
वो कहता है कि इसका कारण सेफ्टी है, ना कि अंधविश्वास है। कोई बंदा यहाँ पर है, उसकी मान लो कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, उसके हाथ से कुछ भी गिर जाए वो हमारे सर पर लग जाएगा। तो वो कहता है कि हमारे को ऐसे जो नोशन है उनका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। वो कहता है कि पहले जमाने में क्या होता था कि हर चीज के पीछे साइकोलॉजी होती थी। बाद में समय बीतते बीतते वो चीज खत्म होगी, लेकिन अंधविश्वास हमारे पास आ गया। जैसे एक और एग्जांपल देता है कि यहूदी लोग जो हैं वो पोर्क यानी कि सुअर के मांस को अनक्लीन मानते हैं। ये कोई धार्मिक या सुपरस्टिशियस कारण नहीं है। देखिए, धार्मिक कारण या सुपरस्टिशियस कारण नहीं है, बल्कि ये क्या कारण है, आपको भी पता है ना कि सुअर गंदगी खाता है, इसलिए उन्होंने इसको ये बोल दिया कि हम पोर्क को अपने खाएंगे नहीं। तो ये जो चीज है ये है साइकोलॉजी, कि हमें सीढ़ी के नीचे से नहीं जाना है, वहां ऊपर कोई बंदा उसके हाथ से कुछ भी गिर सकता है, वो बंदा भी गिर सकता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हमने मान ली। सेकंड एग्जांपल इसने जूश का मान लिया। तो ये बात हमें याद रखनी कि हर बात अंधविश्वास नहीं होती है, हर बात के पीछे कोई ना कोई प्रैक्टिकल रीजन होता है। और इसी पैराग्राफ 4 के अंदर वो वापिस वो लैडर वाले एग्जाम्पल को कहता है। वो कहते हैं कि अगर आपको ये चीज माननी है तो वो कहता है कि आप ये देखो कि लैडर के अंदर से जाएं या लैडर के नीचे से जाएं या लैडर के पास से जाएं। तो वो क्या है कि आप लैडर के नीचे से जाके देखो, आपको जैसा समझ में आप वैसा कर लो। फिर वो ये कहते हैं कि एक और अंधविश्वास है कि जो अमावस का चंद्रमा है वो हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे कांच के गिलास से देखना, ग्लास से देखना चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, वो हमारी लाइफ में चलते हैं और हम उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम उनको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम सुपरस्टिशंस को छोड़ दें। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से हम उनको थोड़ा सा कम यूज करें। अब इसके बाद में वो ये कहता है कि सुपरस्टिशन पुराने जमाने से यूज किए जा रहे हैं पर आज भी हैं, क्योंकि हम इनमें विश्वास रखते हैं। आज बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन है जो खत्म हो चुकी हैं, हमारे को उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एग्जांपल देता है, कहता है कि धीरे धीरे ये होगा कि जब हम दुनिया में हम सुपरस्टिशन को छोड़ते जाएंगे तो सुपरस्टिशन हमारी लाइफ से चले जाएंगे। अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे हमें दुनिया के नियमों की समझ आ जाएगी ना, वैसे वैसे हमारे सुपरस्टिशंस कम होते जाएंगे। अब वो कहता है कि पुराने जमाने में तो क्या होता था कि हम लोग सुपरस्टिशंस को इसलिए मान लेते थे क्योंकि सुपरस्टिशंस उस टाइम हमें दुनिया के नियमों की समझ नहीं थी, क्योंकि तब हमें नेचर के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं चला था और कुछ भी हम इंसानों के अंडर में नहीं था। पुराने जमाने में क्या होता था, आदमी हर चीज को किसी न किसी तरीके से देखकर डरता था।